अजमेर में श्री दिगंबर जैन महासमितियों ने जरूरतमंद महिला की सहायता कर सराहनीय कार्य किया गया। जरूरतमंद परिवार की विवाह योग्य बेटी को गृहस्थ जीवन में उपयोग आने वाला सभी सामान प्रदान किया। अजमेर की श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति एवं युवा महिला संभाग वैशाली नगर इकाई के तत्वावधान में अजमेर के गांव कडेल की रहने वाली विवाह योग्य पुत्री को उसके विवाह के लिए गृहस्थ जीवन में उपयोग आने वाला सभी सामान प्रदान किया। आगामी 23 मई को कन्या का विवाह होने जा रहा है। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी के निवास स्थान गणपति विहार कॉलोनी में लोगों ने वैवाहिक कार्य में सहयोग किया। महिला महासमिति एवं युवा महिला संभाग के नेतृत्व में हम 110वीं शादी करने जा रहे हैं। जब जब आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चियों का हमारे पास मैसेज आता है तो हम तत्परता से यह कदम उठाते हुए आवश्यक सामग्री विवाह के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री जुटाकर आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्ची की सेवा करते हैं। महिला महासमिति हरदम इस कार्य के लिए तत्पर रहती है। वैशाली नगर इकाई के तत्वाधान में आज ये 110वीं शादी करने जा रहे हैं। श्री दिगंबर जैन महासमिति, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति युवा महिला संभाग इकाई के संयुक्त तत्वाधान में एक जरूरतमंद बालिका को विवाह के उपरांत दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं दी गई। संस्था का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि हम आम आदमी की किस तरीके से मदद कर सकें। हम इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं देखते हैं और ये प्रेरणा स्वरूप हमारे श्री दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष अतुल पाटनी जी व महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा मधु पाटनी जी के संयुक्त तत्वाधान में लगातार हम पिछले 5 वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हमने लगभग 110 जरूरतमंद बालिकाओं को इस तरह की सामग्री भेंट करके उनके जीवन यापन को और खुशल मंगलमय बनाने के लिए हमने हमारी ओर से वे कई समाज सेवी की ओर से एकत्रित करके यह सामान उन तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया था, आज निश्चित रूप से हमारे बीच में निर्णय साकार कि मेरे एक ग्राम पंचायत कड़ेल की बालिका दीपा जिसका विवाह हो रहा है इस आगामी 23 तारीख को, मैं पूरी टीम को दिगंबर मेन महासमिति को धन्यवाद दूंगा। ये जो आस्था क्लब लॉयंस के जो सारे सदस्य जो पदाधिकारी है उनका भी धन्यवाद दूंगा कि ये मानव सेवार्थ हमेशा इनकी भूमिका अग्रणी रहती है। मैंने देखा है कि आस्था क्लब जब भी जरूरतमंदों को चाहे रक्त की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो, किसी विकलांग को, किसी बहसारा को, जिस भी चीज की आवश्यकता हो, हमेशा इनकी ये सेवा समिति हमेशा तत्पर रहती है। मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, जिसके बच्ची के पिताजी जो कैंसर से पीड़ित थे और इस दुनिया से चले गए, उनके इलाज में उनका मकान भी बिक गया। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, तो मैंने इनके दूसरी पुत्री पे पहली पुत्री की तो इनके फूफा जी ने शादी की, तो दूसरी की मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने कहते ही पूरी दिगंबर जैन महासमिति महिला ने हाँ भर ली। समिति समय समय पर जरूरतमंद कन्याओं का विवाह करने के साथ साथ और भी अनेक सोशल कार्य करती है। समिति ने यह 110वीं जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए दहेज दिया है। पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत अब तक 109 कन्याओं का विवाह करा चुकी है और यह क्रम लगातार जारी है। जैन फोकस के लिए अजमेर राजस्थान से राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट।